हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सब कैसे हैं? ठीक है। आज हमें आसिफ अंकल ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये हम लोग निकल रहे हैं। आपने बूट नहीं पहने? अच्छा, चलो ठीक है। हम लोग डेरे में आ गए हैं और उस्ताद भी आ गए हैं हमारे, ये आगे जा रहे हैं और जो है ना पीछे अबू हैं और पीछे आसिम अंकल ने भी हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आसिम अंकल भी आने वाले हैं और वो लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे सारे। ये जी बिलांग टू दिल्ली। ये दिन याद है आप लोगों को? ये बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, अब इसके ऊपर जो है ना सीमेंट लग गई है, बिल्कुल तैयार हो रही है। बहुत ही प्यारे नहीं। ये हमारी घोड़ी भी आ गई है जिसके ऊपर हमने सवारी करनी है अभी। देखो जरा काठी, अच्छा उतनी तांद इस बाला तांद इसनी को कोई नहीं ना। ये तुसा मैं आखा देखो वो काठी रखो जड़ी तुसा मैं अपनी काठी ना आखा जड़ी उस चमड़े वाले। ये हम लोग अपनी घोड़ा सवारी कर रहे हैं, आ गए हम लोग और जो है ना प्रैक्टिस वगैरह जारी है। अब तो हमारा सर भी आ गया और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हम मेरे अबू आसिफ अंकल और मेरे उस्ताद खड़े हैं सामने। पीप तो पहले से पड़ी थी, कह रहे थे बहुत है। रोमियो फाइनली वी आर बैक। हम लोग घर आ गए हैं और मेहमानों के लिए डेरा खोलते हैं। मेहमानों के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोल लेते हैं, वो बाहर खड़े हुए होंगे। आ जाइए। आ जाए। हाँ जी, मैं बाज़ार गया था जल्दी से मछली वगैरह लेके मछली बनवा के लेके आया हूँ और बस अब हम लोगों ने खाना शाना इधर सर्व कर लिया है
खाना शाना हम लोग को इधर लगा लिया, उनको हम बुलाते हैं ताकि आए वो खाएं, क्योंकि साथ हमारे उस्ताद जी भी मेहमान भी आए हुए थे, तो बस अब उनको बुलाते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने मेहमानों को खाना शाना दे दिया है, फिर खाना शाना मैंने दिया है, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर मैंने बर्तन वगैरह अपनी अम्मी के साथ थोड़ा सा हेल्प शेल्प कराया, क्योंकि घर में आपको पता होता तो कोई भी नहीं है, तो फिर मैं ही, तो फिर रात हो जाती है, फिर अम्मी भी आपको पता थक जाती है, फिर मैंने थोड़ा सा अम्मी के साथ हेल्प शेल्प कराया, बर्तन वगैरह इधर उधर किए तो उस पर लगाए, फिर उसके बाद अभी मैं इधर आया, फिर मैंने खुद अभी बस रोटी खाई है, अभी मैंने रोटी खाई है, और कपड़े शपड़े पहले मैंने चेंज किए, मैं बहुत तंग हो रहा था उसमें कोट में, और वैसे भी रात हो गई है, तो कपड़े शपड़े चेंज किए, फ्रेश वगैरह मुँह धोया और रोटी छोटी खाई है, तो फिर मैंने कहा व्लॉग को एंड करते हैं, आज का व्लॉग इतना ही था। और हाँ, एक और बात, हमारा घोड़ी को थोड़ा सा मसला हो गया है, उसके एक पाँव में पीप पड़ गई है, वो पीप इसलिए पड़ी है कि मतलब वो जिस जगह पर खड़ी होती हुई है ना, तो वो मिट्टी चिकनी मिट्टी थी, और जो है ना उसके ऊपर खड़ी हुई रही है चिकनी मिट्टी, फिर हम उसको नहलाते हैं, फिर पानी वो कीचड़ सट कीचड़ टाइप बन गया था, वो खड़ी हुई है, तो पता नहीं लगा उसके पाँव पे कब जो है ना वो ज़ख्म, और ज़ख्म से फिर मैं मतलब एक पाँव उसका गंदा हो गया, तो उस्ताद कहते हैं, अब हमने उस्ताद रखा है तो वो कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, कि उन्होंने हमें गोलियाँ बताई हैं पायोडीन और पता नहीं नाइट्रोजन जो जर्सीमों को मारती है वो, और एक और चीज़ उन्होंने बताई ये मिक्स करके हमने हफ्ता लगानी है और हमारी घोड़ी इधर आ जाएगी, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो बस ये एक छोटी बहुत परेशानी तो आपको पता लगी रहती है, चीज़ें जब बंदा रखता है फिर बंदे का थोड़ा बहुत दिल दुखता है कि यार कि ये क्या हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बस जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह का हर काम में बेहतरी है। अभी हमने इसको सूखी जगह पे खड़ा किया है, क्योंकि उस्ताद ने कहा इसको खुश्क जगह में खड़ा करना है, और उसके लिए हम लोग कल मैट भी लेके आएंगे जिसको हम उसके ऊपर खड़ा करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर खड़ी होगी, दवाइयाँ शवाइयाँ लगेंगी, ज़ख्म को पानी नहीं लगने देंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आप लोग भी दुआ करो, क्योंकि ये जानवर जो है ना बेज़ुबान होते हैं, इनको हमने ख़ुद ही देखना होता है, समझें आप, तो अगर हम इनको नहीं देखेंगे, हम इनकी हिफाज़त नहीं करेंगे, अब ये बोल तो सकते नहीं हाँ भाई हमें ज़ख्म है, यही बात है, तो इसलिए बस आप लोग भी दुआ करें कि बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी घोड़ी का पाँव ठीक हो जाए, हफ्ते में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा उम्मीद है, उन्होंने 3-4 दिन कहे, लेकिन हम लोगों ने हफ्ता इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग जो है ना कहते हैं प्रॉपर किस्म की ठीक हो जाए। और आज का व्लॉग यही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अहमद व्लॉग गैंग को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो अभी आप न्यू देख रहे हैं वो भी बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब और लाइक भी करें, और जो देख रहे हैं वो आगे अब आपने वीडियो देख ली तो वो शेयर भी कर दें किसी को, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।